3, 2, 1. पिता के दोस्त ने ही किया दुष्कर्म, अलवरगेट थाने में मुकदमा दर्ज। आईपीसी की धारा 376 और पॉस्को एक्ट में दर्ज मुकदमे में पुलिस कर रही है आरोपी की तलाश। मंगलवार को अलवरगेट थाने में पीड़िता ने अपने परिवारजनों के साथ थाना हाजा पर प्रस्तुत होकर एक रिपोर्ट दर्ज कराई है। अलवरगेट थाने के हेड कांस्टेबल सुरेंद्र सिंह ने बताया कि रिपोर्ट में पीड़िता ने आरोप लगाया है कि 19 अगस्त को उनके घर पर बर्थडे पार्टी थी, जिसमें पिता का दोस्त राजकुमार पुत्र कन्हैयालाल भी आया हुआ था, जो पहले से ही शराब पिया हुआ था। वह अपने साथ कोल्ड ड्रिंक भी लेकर आया, जिसने सभी परिवारजनों को कोल्ड ड्रिंक पिलाई और रात को ज़्यादा नशा होने पर पिता से घर पर ही रुकने की अनुमति लेकर घर पर रुक गया। इस दौरान कोल्ड ड्रिंक में नशीला पदार्थ मिला होने से घर के लोग अचेत हो गए। इस बीच आरोपी राजकुमार ने रात को पीड़िता के साथ दुष्कर्म किया, जिसकी रिपोर्ट पर आईपीसी की धारा 376 और पॉस्को एक्ट में मुकदमा दर्ज कर अलवरगेट थाना प्रभारी सुनीता गुर्जर द्वारा तफ्तीश की जा रही है। कल दिनांक 21/9/2021 को इलाका थाना क्षेत्र की रहने वाली एक बालिका मैं अपने परिजन के उपस्थित थाना आई। वे एक रिपोर्ट बलात्कार वे पोक्सो अधिनियम में दर्ज करवाई है। उसने बताया कि आरोपी जो है मेरे पिता का दोस्त है, जिसका नाम राजकुमार सनोप कन्हैयालाल है, जो मेरे पिता का दोस्त था और हमारे घर पर उसका आना जाना था, जिसने दिनांक 9/8/20 को हमारे घर पर एक छोटी सी पार्टी का आयोजन, बर्थडे पार्टी का आयोजन रखा गया था, जिसमें वो हमारे घर पर शराब का सेवन करके आया एवं कोल्ड ड्रिंक्स भी लेकर आया था, जिसने कोल्ड ड्रिंक्स पिलाई सभी घर वालों को, जिससे हमें चक्कर आने लगे और वो शराब के नशे में था। तो उसने मेरे पिता से कहा कि मैं रात्रि को अपने घर नहीं जा पाऊँगा, यहीं पर सोऊँगा। परिचित हुए रिश्तेदार होने से पीड़िता के पिता ने उसको अपने घर में सुलाया और रात्रि के समय उसने अपने मित्र की पुत्री के साथ बलात्कार जैसा दुष्कर्म किया, जिस पर बलात्कार में पॉक्सो में प्रकरण पंजीबद्ध किया गया है। प्रकरण का अनुसंधान स्वयं थानाधिकारी महोदय श्रीमती सुनीता गुर्जर थानाधिकारी अलवरगेट कर रहे हैं, अनुसंधान जारी है। राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा कॉलेज शिक्षा विभाग की सहायक आचार्य प्रतियोगी परीक्षा शुरू। पहले दिन जनरल नॉलेज का प्रश्न पत्र हल कर लौटे अभ्यर्थियों ने जताई खुशी। राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा कॉलेज शिक्षा विभाग की सहायक आचार्य प्रतियोगी परीक्षा बुधवार से प्रारंभ हो गई। बुधवार को सुबह 10 बजे से 12 बजे तक जनरल नॉलेज की परीक्षा देकर लौटे अभ्यर्थियों ने बताया कि प्रश्न पत्र ना ज़्यादा सरल था ना ज़्यादा कठिन था। आरपीएससी ने अच्छा पेपर बनाया था, उम्मीद है आगे भी इसी प्रकार के प्रश्न पत्र आएंगे। गौरतलब है कि 918 असिस्टेंट प्रोफेसर के पदों के लिए 1.5 लाख अभ्यर्थी पंजीकृत हुए हैं। 23 से 30 सितंबर और 1 से 9 अक्टूबर तक ऐच्छिक विषयों की परीक्षा दो पारियों में आयोजित होगी। पहली पारी सुबह 9 बजे से 12 बजे तक और दूसरी पारी दोपहर 2 बजे से शाम 5 बजे तक आयोजित होगी, जिसमें लॉ, सामान्य विज्ञान, कला, वाणिज्य विज्ञान सहित अन्य संकाय के विषय सम्मिलित हैं। बुधवार को सेंट पॉल स्कूल में बनाए गए परीक्षा केंद्र पर परीक्षा देकर लौटे अभ्यर्थियों ने मीडिया से अपने अनुभव साझा करते हुए बताया। एग्जाम जनरल स्टडीज ऑफ राजस्थान का पेपर था आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, और पेपर मॉडरेट लेवल का था, बहुत डिफिकल्टी था, बहुत इजी नहीं था और करंट अफेयर्स से ज़्यादा टॉपिक्स पूछे गए थे। ये असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्ज़ाम था और आज कॉलेज व्याख्याता का ये प्रथम प्रश्न पत्र था, थर्ड पेपर था, वैसे जीके का था, अच्छा हुआ है, सभी को शुभकामनाएं। राजस्थान जीके का प्रश्न था और सामान्य पेपर है और ज़्यादा कोई डिफिकल्ट नहीं है, प्रश्न पत्र ठीक ठाक बनाए गए हैं, बहुत अच्छा लगा, आरपीसी को बहुत बहुत धन्यवाद। और आज मेरा जो एग्ज़ाम था वो था जनरल स्टडीज़ ऑफ राजस्थान और पेपर बहुत अच्छा था।
तमाम प्रकार के सवाल थे और अच्छा हुआ है और पूरी उम्मीद है और ऊपर वाले पर विश्वास है कि चयन होगा। वहीं नीमच से अपनी बिटिया को परीक्षा दिलाने आए अभिभावक डॉक्टर संजय जोशी ने बताया कि परीक्षा सेंटर पर अभिभावकों और उनके वाहनों की पार्किंग के लिए कोई व्यवस्था नहीं की गई है। यदि RPSC या परीक्षा केंद्र इस तरह की भी व्यवस्था कर दे तो काफ़ी आसानी रहेगी। 3 घंटे तक अभ्यर्थियों के परिजनों को बाहर धूप और बरसात में टाइम बिताना पड़ रहा है। यहाँ आसपास कोई ऐसी व्यवस्था भी नहीं जहाँ आदमी रुक सके। हम लोग मध्य प्रदेश से आए हैं और हम अपने बिटिया को यहाँ एग्ज़ाम दिलाने के लिए लेके आए, लेकिन यहाँ पर जब देखा कि पेरेंट्स जो साथ में आए उनके लिए न तो कोई इस प्रकार का कोई गेस्ट रूम था कि जहाँ पर बैठ सके पेरेंट्स, बाहर ही बेचारे धूप में और बारिश में विचरते रहे, तो ये परेशानी जो रहती है एग्जामिनेशन सेंटर पे, तो मैनेजमेंट को ध्यान देना चाहिए और अजमेर जो PSC जो नियंत्रण बोर्ड है उनको भी ऐसे निर्देश देना चाहिए कि जो कम से कम पेरेंट्स लेके आ रहे हैं बच्चों को रात भर जग के, उनके लिए कम से कम कोई ऐसा एक गेस्ट रूम बना दे, वहाँ पर वो बैठ सकें और अपने बच्चों का इंतज़ार कर सके। केवल यही अनुरोध है और पार्किंग की भी कोई उचित व्यवस्था नहीं की है। जो बाहर से बेचारे लोग अपने व्हीकल्स आए वो देखिए कहाँ व्हीकल खड़ा करें, ना कोई पार्किंग जोन बनाया, ना कोई गाइडेंस लाइन दी गई कि आपको लेके आना है कि नहीं व्हीकल, हमारे पास पार्किंग की व्यवस्था नहीं है। तो इस प्रकार की अगर व्यवस्था कर दी जाए तो आने वाले जो दूर से आ रहे हैं पेरेंट्स उनको भी सुविधा होगी और बच्चों को भी मानसिक कष्ट नहीं होगा। थैंक यू वेरी मच। दक्षिण विधायक अनिता बदेल ने स्टील पेयजल पाइपलाइन कार्य का किया शिलान्यास। दानमल माथुर कॉलोनी में उच्च जलाशय तक 1 किलोमीटर लंबी पेयजल पाइपलाइन बिछाने का कार्य शुरू। दक्षिण विधानसभा क्षेत्र में 20 करोड़ रुपए की लागत से स्मार्ट सिटी मिशन के अंतर्गत दक्षिण विधायिका अनिता बदेल द्वारा पेयजल पाइपलाइन डालने के कार्य स्वीकृत कराए गए हैं, जिसके तहत अलग अलग इलाकों में स्टील की पेयजल पाइपलाइन डालकर लोगों को पेयजल समस्या से राहत दिलाई जा रही है। बुधवार को सुनीता ITI दानमल माथुर कॉलोनी में उच्च जलाशय तक 1 किलोमीटर लंबी स्टील की पेयजल पाइपलाइन डालने के कार्य का विधिवत शिलान्यास किया गया। इस मौके पर विधिवत पूजा अर्चना के दौरान विधायक अनिता बदेल, पार्षद सीलम बैरवा, पूर्व महिला मोर्चा जिलाध्यक्ष सीमा गोस्वामी, मंडल अध्यक्ष हेमंत सांकला, महामंत्री सुंदर टांक, सोनू माखीजानी, संतोष मौर्य, पवन बैरवा, युवा नेता नीतीश आत्रे, गिरधारी लाल सांकला सहित भाजपा के कई कार्यकर्ता और कॉलोनी वासी मौजूद रहे। विधायक अनिता बदेल ने मीडिया से बात करते हुए दक्षिण विधानसभा क्षेत्र में कराए जा रहे विकास कार्यों की जानकारी देते हुए बताया। इस पूरे एरिया में पानी की बहुत समस्या है और इसको देखते हुए हमने राजाकोट स्कूल में पानी का उच्च जलाशय स्मार्ट सिटी के तहत बनवाया था, लेकिन आज तक वो चालू नहीं हो पाया क्योंकि उसकी राइजिंग लाइन डली नहीं थी। इसलिए पिछली बार जब मैं जयपुर गई तो जयपुर जाने पर ये पूरा हमने समीक्षा कराई अधिकारियों से, तो पता पड़ा कि उसकी राइजिंग लाइन नहीं डली हुई है, इस वजह से वो पानी की टंकी अभी तक भरी नहीं जा रही है। तो स्मार्ट सिटी में उसकी राइजिंग लाइन डालने के साथ साथ 1 किलोमीटर जो है लोहे की स्टील की पाइपलाइन डाली जाएगी और उसके बाद में इस पूरे जोन को राजा साइकिल ये राजाकोट स्कूल के पीछे वाली जो टंकी है उस पर लिया जाएगा, जिसमें ब्रज विहार कॉलोनी, दालमल माथुर कॉलोनी और साईं विहार कॉलोनी, ये जो कॉलोनियाँ हैं इस राजा कोठी स्कूल के आसपास की कॉलोनी, वो सारी कॉलोनियों को पानी जो है वो राजा कोठी स्कूल के उच्च जलाशय से सप्लाई होगा। तो जो पानी के प्रेशर की समस्या है, क्योंकि ये पूरा एरिया टैलेंट होता है, सबसे लास्ट का एरिया है और इसकी वजह से प्रेशर यहाँ पर नहीं बन पाता, उस वजह से अब यहाँ पर प्रेशर भी बनेगा और लोगों को अच्छा जो है अच्छी मात्रा में पानी भी मिल पाएगा। तो लगभग ये पूरी 1 किलोमीटर की लाइन है जिसको हमने स्मार्ट सिटी में स्वीकृत कराया था और अब ये लगभग पूरा काम हो जाएगा। 1 किलोमीटर के अतिरिक्त राइजिंग लाइन डलेगी, वो राइजिंग लाइन डलने से जो पानी का उच्च जलाशय है वो भी भरना प्रारंभ होगा और फिर उससे सप्लाई प्रारंभ। ये लगभग 20 करोड़ रुपये की लाइनें हैं
जो पूरे अजमेर दक्षिण विधानसभा में डलनी है। इससे पहले हमने विज्ञान नगर में शुरुआत की थी, उसके बाद में फिर हमने आदर्श नगर में शुरुआत की और आदर्श नगर के बाद में अब ये दालमेल माथुर कॉलोनी में और इसके बाद में नाका मदार में है। तो लगभग 20 करोड़ रुपए इस पूरी पाइपलाइन पर लागत आई है जो स्मार्ट सिटी में काम होना है। राजस्थान शिक्षक संघ राष्ट्रीय ने मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री के नाम सौंपा ज्ञापन। शिक्षकों की 7 सूत्रीय मांगों का जल्द निराकरण कर राहत देने की मांग। राजस्थान शिक्षक संघ राष्ट्रीय के बैनर तले प्रदेश उपाध्यक्ष भंवर सिंह राठौड़, जिलाध्यक्ष विष्णु सिंह राठौड़ और जिला मंत्री सत्यनारायण शर्मा के नेतृत्व में शिक्षकों ने जिला कलेक्टर को प्रदेश के मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री के नाम ज्ञापन सौंपकर 7 सूत्रीय मांग पत्र पर तत्काल कार्रवाई कर शिक्षकों को राहत प्रदान कराने की मांग की है। प्रदेश उपाध्यक्ष भंवर सिंह राठौड़ ने बताया कि राजस्थान शिक्षक संघ राष्ट्रीय ने समय समय पर शिक्षकों की समस्याओं पर ध्यान आकर्षित किया है, लेकिन सरकार द्वारा कोई सकारात्मक कार्रवाई नहीं की गई, जिससे शिक्षक अपने आप को आहत और ठगा हुआ महसूस कर रहा है। इसलिए वर्ष 2004 के पश्चात नियुक्त शिक्षकों के लिए नई पेंशन स्कीम के स्थान पर पुरानी पेंशन स्कीम लागू की जाए, वेतन विसंगतियों के संबंध में पूर्व में गठित सामंत कमेटी की रिपोर्ट तत्काल सार्वजनिक की जाए, 2007 से 2009 तक के शिक्षकों की वेतन विसंगति तत्काल दूर करते हुए समस्त संवर्ग के शिक्षकों की वेतन विसंगतियों को दूर किया जाए। प्रदेश नेतृत्व ने जिला प्रत्येक जिला मुख्यालयों पर आज मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री के नाम ज्ञापन, 7 सूत्रीय मांगों को लेकर ज्ञापन दिए जा रहे हैं। ये आज तीसरा चरण है। पहले चरण के अंदर उपखंड अधिकारियों को ज्ञापन सौंपे गए थे पूरे राजस्थान के अंदर हमारी समस्त उपशाखाओं द्वारा। द्वितीय चरण के अंदर सभी जनप्रतिनिधियों को, माननीय विधायक महोदय को, सांसद महोदय को, जिला प्रमुख महोदय को ज्ञापन सौंप कर ये 7 सूत्रीय मांगों को पूरा करने का के लिए आंदोलन किया गया है। आज ये तीसरा चरण है पूरे राजस्थान में, ये आज आंदोलन हो रहा है। इसके बाद हमारे प्रदेश की स्थायी समिति बैठ कर निर्णय करेगी जो प्रदेश स्तर पर जिस प्रकार से इस आंदोलन को अंतिम रूप दिया जाना है उस प्रकार से आगे की कार्यवाही तय की जाएगी। अभी वर्तमान के अंदर पुरानी पेंशन योजना लागू हो 2004 के बाद जो नियुक्त शिक्षक है, कर्मचारी हैं उनके लिए, क्योंकि अभी वर्तमान में जो जिस तरह का पैटर्न चल रहा है और इसका पैसा जो अन्य कामों में लग रहा है, कोई श्योरिटी नहीं है कि भविष्य के अंदर इसको जब कर्मचारी सेवानिवृत्त होगा तो उसको कितनी पेंशन मिलेगी, नाम मात्र की पेंशन मिलेगी। इनके भविष्य को ध्यान में रखते हुए, परिवार के भरण पोषण को ध्यान में रखते हुए पुरानी पेंशन योजना लागू करें, ऐसी मांग की जा रही है। जिला मंत्री सत्यनारायण शर्मा ने बताया कि शिक्षकों को BLO के कार्य से तत्काल मुक्ति दिलाते हुए अन्य समस्त गैर शैक्षणिक कार्यों से शिक्षकों को मुक्ति दिलाई जाए। समुचित संसाधनों की उचित व्यवस्था होने तक ऑनलाइन उपस्थिति से वेतन आहरण अनिवार्यता स्थगित की जाए सहित संगठन की ज्वलंत समस्याओं का तत्काल समाधान कर शिक्षकों को राहत दिलाई जाए। आज हमारी प्रदेश नेतृत्व के अनुसार मांगे हैं कि पूरे राजस्थान में जिले स्तर पर आज ये प्रदर्शन किया जा रहा है। इसमें हमारे 7 सूत्री मांग है जो मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री के नाम दिया जा रहा है और कलेक्टर साहब के द्वारा दिया जाएगा, जिसमें हमारी मांग है कि 2004 के बाद नियुक्त शिक्षकों को पुरानी पेंशन वापस लागू की जाए, उनको NPS से हटाकर OPS लागू किया जाए, BLO को सभी ड्यूटी से मुक्त किया जाए, केवल शिक्षण कार्य में रखा जाए और शिक्षकों को 2007 से 2009 तक जो वेतन विसंगति है, सामंत कमेटी की रिपोर्ट जो आज तक नहीं प्रकाशित हुई है उसको लागू किया जाए, दिनांक 27/7/2021 को सरकार द्वारा नवीन सेवा नियम जो लागू किए गए उसमें संगठन द्वारा जो अभिमत दिया गया है उसको संशोधित करके लागू किया जाए। ये संगठन की प्रमुख मांगे हैं जो आज हम कल्पना साहब महोदय को देने जा रहे हैं। गंज थाने में पीड़िता ने दुराचार और अश्लील हरकतें करने के आरोप में कराया मुकदमा दर्ज। पुलिस ने नामजद मुकदमा दर्ज कर आरोपियों की तलाश की शुरू। गंज थाना अंतर्गत थाना क्षेत्र में रहने वाली एक पीड़िता ने 21 सितंबर मंगलवार शाम थाने पर उपस्थित होकर एक मुकदमा दर्ज कराया। गंज थाने के ASI डालचंद ने बताया कि पीड़िता का आरोप है कि उसके घर के आसपास असामाजिक तत्वों का जमावड़ा लगा रहता है जो लगातार उससे अश्लील हरकतें और अभद्र टिप्पणियां करते हैं। 18 सितंबर रात लगभग 9 से 9:30 बजे के बीच इमरान और इरफान के साथ 8-10 अन्य लोगों ने उसके घर में घुसकर उसके साथ दुराचार करने की कोशिश की और अश्लील हरकतें करते रहे। जब पति ने इसका विरोध किया तो उन्होंने उसके साथ मारपीट की। जब पीड़िता ने शोर मचाया तो सभी लोग भाग जुटे और देख लेने की धमकी देकर गए हैं।
इस आरोप में आईपीसी की धारा 143, 323, 341 और 354 में मुकदमा दर्ज कर आरोपियों की तलाश की जा रही है। ये मुकदमा 21 तारीख को दर्ज हुआ है और पीड़िता ने दर्ज कराया है कि उसके घर के आसपास कुछ लोग वहाँ एकत्रित होते रहते हैं और मुझसे अभद्र टिप्पणियाँ करते रहते हैं। दिनांक 18/9 को रात्रि 9:30 बजे दो व्यक्ति हैं, इरफान और इमरान नाम के, जिन्होंने रात्रि को 9:30 बजे के आसपास मेरे साथ दुराचार और अश्लील हरकत करने की कोशिश की और की। उनके साथ 5-7 व्यक्ति और थे। मेरे पति ने शोर मचाया तो उसके साथ मारपीट की और मैं चिल्लाई तो वो सब छोड़ के भाग गए और धमकी दे के गए कि आइंदा देख लेंगे। इसमें 143, 323, 341, 354 आईपीसी का मामला दर्ज हुआ है और अनुसंधान किया जा रहा है। जैसी भी स्थिति होगी अनुसंधान से स्पष्ट हो जाएगी। भाजपा नेता के घर के बाहर फन फैलाए बैठा था 6 फीट लंबा कोबरा सांप। पुलिस मित्र टीम ने कोबरा सांप को सुरक्षित किया रेस्क्यू। तीर्थनगरी पुष्कर में जमनी कुंड रोड स्थित सांबरिया कॉलोनी निवासी भाजपा नेता हरिशंकर चौहान के घर के बाहर सफाई करते समय आज उस समय हड़कंप मच गया जब वहाँ रोजमर्रा की तरह सफाई कर रहे कार्मिकों का सामना फन फैलाए कोबरा सांप से हो गया। घबराए कार्मिकों ने घर के नजदीक स्थित रखे सामान में कोबरा सांप को देखते ही तुरंत भाजपा नेता हरिशंकर चौहान को जानकारी दी। मामले की गंभीरता को देखते हुए सांपों के संरक्षण के लिए काम कर रही पुलिस मित्र टीम की रैपिड रेस्पॉन्स यूनिट को सूचना देकर मौके पर बुलवाया गया जिससे कि कोबरा सांप को सुरक्षित पकड़कर बाहर निकाला जा सके। पुष्कर थानाधिकारी महावीर प्रसाद शर्मा से निर्देश पाकर इंचार्ज अमित भट्ट के साथ मौके पर पहुंचे रैपिड रेस्पॉन्स यूनिट के स्नैक रेस्क्यूअर राजेंद्र वच्छानी, सांवरा शर्मा, राजेंद्र पवार, मुकेश देवड़ा ने जब कोबरा सांप को देखा तो पता चला कि वह किसी बड़े शिकार को निगले हुए है। तुरंत कोबरा सांप को पकड़कर पहले सुरक्षित तरीके से बाहर निकाला गया। वहां उपस्थित प्रत्यक्षदर्शियों को सांप के बारे में जानकारी देकर उसे कपड़े के बैग में सुरक्षित बंद कर लिया गया। बाद में कोबरा सांप को वन विभाग के अधिकारियों के निर्देशन में अरावली पर्वतमाला के जंगलों में छोड़ दिया गया। अपने यहाँ काला कलर का सांप आया था कोबरा और बहुत बड़ा था वो, तो हमने उसको देखा इधर उधर कोशिश करी पकड़ने की लेकिन हमसे पकड़ में नहीं आया तो रेस्क्यू कमेटी वाले को बुलाया फिर उन्होंने 2 मिनट के अंदर उसको पकड़ लिया और हम उनको धन्यवाद देते हैं और बहुत बहुत साधुवाद देते हैं। जिला रसद विभाग में जिले के राशन डीलरों को मीटिंग के लिए बुलाया, नहीं हुई मीटिंग। राशन डीलर्स ने रसद विभाग पर लगाए परेशान करने के आरोप। विभाग ने कार्य बहिष्कार के चलते मीटिंग होना बताया स्थगित। बुधवार को जिला रसद विभाग में जनाधार से संबंधित कार्य को लेकर अजमेर जिले के समस्त राशन डीलर्स को मीटिंग के लिए आमंत्रित किया गया था लेकिन ठीक 11 बजे जब अजमेर शहर के समस्त राशन डीलर्स जिला रसद कार्यालय पहुंचे तो वहां कोई अधिकारी नहीं मिला, जिस पर आक्रोशित राशन डीलर्स ने मीडिया के सामने अपनी पीड़ा का इजहार करते हुए बताया कि राशन डीलर्स को यहां आमंत्रित कर लिया गया और यहां पर कोई अधिकारी मौजूद नहीं है जिसकी जानकारी उन्हें पूर्व में दे देनी चाहिए थी ताकि वे अपनी दुकानों को खोलते, ऐसे में उन्हें परेशान होना पड़ा है। राशन डीलर्स संघ के प्रदेश सचिव सुरेश कुमार सैनी का आरोप था कि रसद विभाग राशन डीलर्स का सहयोग नहीं कर रहा, पिछले 6 महीने से कमीशन नहीं दिया गया है, सरकार के पास यदि पैसा नहीं है तो वे अपनी दुकानें सरेंडर करने को तैयार हैं ताकि वे दूसरा काम धंधा करके अपने परिवार का भरण पोषण कर सकें। सर, ये जन आधार की जो इन्होंने मीटिंग बुलाई थी 11 बजे जब हम पूरे डीलर अजमेर के सिटी के सब डीलर आ चुके हैं, जब वहाँ गए तो मालूम पड़ा कि हमारे विभाग का एक भी अधिकारी वहाँ उपस्थित नहीं था। अब जो अधिकारी उपस्थित नहीं होगा तो डीलर किसको अपनी पीड़ा सुनाएगा। दूसरी बात कि ये हमारे को कहते हैं जन आधार का काम करो, ये करो वो करो, हम सब करने को तैयार हैं पर 6-6 महीने का इस सरकार ने या इस विभाग ने कमीशन नहीं दिया, ये फ्री में काम कराना चाह रहे हैं। अगर इनके पास सरकार के पास अगर पैसा नहीं है तो इस पीडीएस सिस्टम को बंद किया जाए। क्यों पब्लिक को गुमराह कर रहे हैं, क्यों डीलरों को गुमराह कर रहे हैं ताकि डीलर भी कोई दूसरा धंधा करे, अपना अपने बच्चे पाले। जब इनके पास हम इस पब्लिक को गेहूँ देते हैं, आप सरकार बनाने का भी
हमारे को अधिकार है तो बिगाड़ने का भी हमारा को अधिकार है। ये पूरे अजमेर जिले के हैं, सिटी के, अजमेर सिटी के। ये तो विभाग ही बताएगा कि विभाग क्यों नहीं आ रहा है, क्यों नहीं कर रहा है। हम तो पहुंच गए, हमारी परिस्थिति वहां सामने है। वहीं जब जिला रसद विभाग में मौजूद एक कार्मिक राहुल भारती से जानकारी चाही तो उन्होंने बताया कि जनाधार से संबंधित बैठक का आयोजन किया गया था, लेकिन राजस्थान खाद्य एवं आपूर्ति सेवा समिति के आह्वान पर आज अचानक कार्य बहिष्कार के चलते मीटिंग को स्थगित कर दिया गया है। ये जन आधार की ईकेवाई से संबंधित मीटिंग थी, लेकिन राजस्थान खाद्य एवं आपूर्ति सेवा समिति के आह्वान पर आज सभी द्वारा कार्य बहिष्कार किया गया, इसलिए मीटिंग स्थगित कर दी गई। विदा होते मानसून ने एक घंटे मूसलाधार बारिश से शहर को किया सराबोर। बुधवार दोपहर शुरू हुई तेज बारिश ने एक घंटे में शहर के कई हिस्सों को डुबोया। सावन महीने में मानसूनी बारिश का इंतजार करते शहरवासियों को सावन और पूरे भादवा अच्छी बारिश का इंतजार करना पड़ा, लेकिन विदा होते मानसून ने बुधवार को एक घंटे में ही पूरे शहर को तरबतर कर दिया। मूसलाधार बरसात से कुछ ही देर में शहर के अनेक हिस्से जलमग्न हो गए और जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया। स्मार्ट सिटी अजमेर में इन दिनों अनेकों विकास के काम चल रहे हैं, जिनमें पानी की पाइपलाइन डालने का काम, सीवरेज पाइपलाइन, अंडरग्राउंड केबल डालने काम जैसे कई काम किए जा रहे हैं, जिससे शहर की सड़कें पहले ही उंधड़ी हुई हैं। ऐसे में मानसूनी बरसात ने शहर की हालत और ख़राब कर दी। जगह जगह गड्ढों में पानी भर जाने से कई दुर्घटनाएं हुई। वहीं आनंद सागर एस्केप चैनल की दीवार कई जगह से क्षतिग्रस्त होने के चलते निचली बस्तियां जलमग्न हो गई और बस्तियों के मकानों में पानी घुस गया। गनगौर घटाओं ने गर्जना के साथ करीब एक घंटे अजमेर को जमकर भिगोया। वैशाली नगर, पंचशील, शास्त्री नगर, भजनगंज, गुलाबबाड़ी, नाकामदार, आदर्श नगर, नसराबाद रोड, ब्यावर रोड, नाकामदार, चंद्रवदाई नगर, रामगंज में तेज बरसात के चलते कई इलाकों की कॉलोनियाँ जलमग्न हो गई। बरसात से अजमेर शहर की निचली बस्तियां जैसे नगरा, भजनगंज, बिहारीगंज, गुर्जर, धत्ती, राबड़िया मोहल्ला आदि कई क्षेत्रों में पानी भर गया। लोगों ने बताया कि जब अजमेर में बारिश की ज़रूरत थी तब बरसात हुई नहीं, और जब बरसात हुई है तो नुकसान करने वाली साबित हो रही है। हालांकि अजमेर की लाइफलाइन बीसलपुर को पानी की बहुत ज़रूरत और वहाँ पानी पड़ना चाहिए। अभी खेतों में ग्वार, बाजरा, ज्वार आदि की खड़ी फसलें इस बरसात से तबाह हो गई हैं। ये बरसात फायदे की जगह नुकसान देने वाली साबित हुई है। देखिए अजमेर में आज जो एक घंटे बरसात हुई है, निश्चित रूप से पानी की आवश्यकता तो है, लेकिन अजमेर में आने से कोई तात्पर्य नहीं है। और ये अगर गांव में और किसानों के खेतों में हो रही है तो निश्चित रूप से फसल को बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। और जिस प्रकार से जब पानी की आवश्यकता थी, दो महीने सावन और भादवा में जब आवश्यकता थी जब आई नहीं, अब ये तीसरी बरसात अब आ रही है जो निश्चित रूप से किसानों के साथ साथ सबके लिए नुकसानदायक है। और अभी पानी की आवश्यकता है, लेकिन बीसलपुर और जो छोटे मोटे नदी तालाब हैं उसमें आने चाहिए। कहते हैं कि रही मन पानी राखिए, बिन पानी सब सुन, पानी गयो ना उभरे मोती माना चूर। पानी की आवश्यकता तो है, जमीन का अगर वाटर लेवल बढ़ता है तो निश्चित रूप से पानी की आवश्यकता है, जिससे आसपास के हेडपम्प और कुओं तालाबों में पानी आएगा तो आसपास के नदी नालों में कुओं में पानी आने से सीर चलेगी, सीर चलने से लोगों को पीने का पानी मिलेगा। देखिए अभी जिस प्रकार से बिजली गिरने की और बादल गिरने की संभावना थी, तो गिरने की क्या मुझे लगता है कहीं आसपास में बिजली भी गिरी है तो निश्चित रूप से नुकसान है। अभी आप बारिश की आवश्यकता नहीं थी, लेकिन फसल जो खड़ी थी, ज्वार, बाजरा, मक्की की जो फसल खड़ी थी वो पूरी तरह से नष्ट हो चुकी है। किसानों को बहुत भारी नुकसान हुआ है। इससे नुकसान है, कोई फायदा नहीं है। ज्वार, बाजरा, मक्की की फसल खत्म, किसानों को तो नुकसान ही है, वो तो मालिक के आते, लेकिन ज्वार, बाजरा फसल खत्म है, नष्ट है बिल्कुल। कम से कम एक घंटे होगी, एक घंटे तक बरसात चलिए। अग्रवाल समाज अजमेर द्वारा अजमेर सिटी मजिस्ट्रेट राजेंद्र प्रसाद अग्रवाल का स्वागत अभिनंदन। अग्रवाल समाज के अध्यक्ष शैलेंद्र अग्रवाल व पदाधिकारियों ने सिटी मजिस्ट्रेट को समाज की गतिविधियों की दी जानकारी। अग्रवाल समाज अजमेर के पदाधिकारियों ने समाज अध्यक्ष शैलेंद्र अग्रवाल के नेतृत्व में बुधवार को अजमेर के सिटी मजिस्ट्रेट राजेंद्र प्रसाद अग्रवाल से कलेक्ट्रेट स्थित उनके कार्यालय में मुलाकात कर अतिरिक्त जिला कलेक्टर एवं सिटी मजिस्ट्रेट जैसे महत्वपूर्ण पद पर उनकी पोस्टिंग होने पर प्रसन्नता जताते हुए उनका माल्यार्पण कर साफा व दुपट्टा पहनाकर अभिनंदन किया। इस अवसर पर अग्रवाल समाज के अध्यक्ष शैलेंद्र अग्रवाल व महासचिव प्रवीण अग्रवाल ने राजेंद्र प्रसाद अग्रवाल को अग्रवाल समाज की गतिविधियों व कार्यक्रमों की जानकारी देते हुए
कोरोना काल में अग्रवाल समाज द्वारा किए गए विभिन्न सेवा कार्यों से अवगत कराया। अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट राजेंद्र प्रसाद अग्रवाल से मुलाकात और स्वागत करने वालों में अग्रवाल समाज के अध्यक्ष शैलेंद्र अग्रवाल, महासचिव प्रवीण अग्रवाल, कोषाध्यक्ष विनय गुप्ता, कार्यकारी सदस्य अगम प्रसाद मित्तल व कमल किशोर गर्ग शामिल थे। स्वागत है। हमारे लिए बड़ी प्रसन्नता की बात है कि अग्रवाल समाज से जुड़े हुए श्री राजेंद्र प्रसाद जी अग्रवाल जो आरएस अधिकारी हैं वो अजमेर में सिटी मजिस्ट्रेट जैसे महत्वपूर्ण पद पर उनको सुशोभित किया गया है। तो आज अग्रवाल समाज अजमेर के पदाधिकारियों ने कोरोना को देखते हुए सीमित कार्यक्रम रखते हुए संक्षिप्त कार्यक्रम रखते हुए उनका यहाँ साफा पहनाकर दुपट्टे ओढ़ाकर और माल्यार्पण करके अभिनंदन किया, स्वागत किया। साथ ही माननीय एडीएम सिटी साहब को हमने अग्रवाल समाज अजमेर और अखिल भारतीय अग्रवाल सम्मेलन द्वारा पिछले साल और इस साल कोरोना काल में जो सहायता कार्य किए उसके बारे में अवगत कराया और आगामी अग्रसेन जयंती पर जो कार्यक्रम आयोजित होने वाले हैं उसके बारे में भी सिटी मजिस्ट्रेट साहब से हमने चर्चा की। साथ ही हमने माननीय सिटी मजिस्ट्रेट साहब को यह भी कहा कि जनहित के किसी भी काम में और कोरोना से पीड़ित लोगों की किसी भी तरह की सहायता में अग्रवाल समाज अजमेर और अखिल भारतीय अग्रवाल सम्मेलन जिला शाखा अजमेर हर तरह से आपके साथ है। जहाँ कहीं भी किसी भी जनहित के कार्य में आवश्यकता हो अखिल भारतीय अग्रवाल सम्मेलन जिला शाखा अजमेर और अग्रवाल समाज अजमेर हमेशा उन सेवा कार्यों के लिए तत्पर रहेगा। सभी बातें सुनकर माननीय एडीएम सिटी साहब बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने अग्रवाल समाज अजमेर और अखिल भारतीय अग्रवाल सम्मेलन द्वारा किए जा रहे कार्यों की बुरी प्रशंसा की। स्मार्ट सिटी अजमेर में एक घंटे की बारिश ने जनजीवन किया अस्त व्यस्त। दरगाह बाजार, मदार गेट सहित कई इलाकों में बहा तेज पानी। बुधवार को जाते हुए मानसून ने झमाझम बारिश कर शहर को तरबतर कर दिया। वहीं पहाड़ियों से बहकर आए तेज पानी के बहाव के चलते दरगाह बाजार और मदार गेट इलाकों में लोगों की दोनों ओर भीड़ लग गई। लोग इस तेज बारिश और प्रवाह से बहते पानी के नज़ारे को देखने के लिए वहाँ खड़े नजर आए। इसके अलावा अजमेर शहर के कई इलाकों से ऐसी ही तस्वीरें सामने आई जहां बारिश के पानी ने कुछ देर के लिए ही सही जनजीवन को अस्त व्यस्त कर दिया। आइए चलते हैं होराइजन हिंद न्यूज के साथ और देखते हैं बारिश के कुछ नज़ारे। विस्तार से पढ़ने के लिए लॉगिन करें horizonhind.com सच के साथ।